और गाइस देखिए ये यहाँ पे देखिए वेलसिल लगा हुआ है, उसके बाद में एक वॉशर लगाया है और एक बूस्ट लगाया है। हेलो गाइस, हमारे पास है TVS RTR 160 है, ये 4V है, ये Apache 4V गाड़ी है और इस गाड़ी में प्रॉब्लम है। इस गाड़ी का शॉकर पूरी तरह से लीकेज हो चुके हैं, दोनों शॉकर ही गाड़ी का पूरी तरह से लीकेज हो चुके हैं और ये शॉकर को हम लोग अभी रिपेयर करेंगे। इसका वेलसिल जो है, इस वेलसिल को चेंज करेंगे और वेलसिल को कैसे चेंज किया जाता है उसी के बारे में डिटेल्स में बताएंगे आपको। और तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस सबसे पहले हम फ्रंट व्हील जो है इसको हम ओपन करेंगे, तो चलिए पहले फ्रंट व्हील को ओपन करते हैं। तो गाइस देखिए ये हमारा एक्सेल भी ओपन हो गया और हमारा ये फ्रंट व्हील भी ओपन हो गया। देखिए ये सारे सामान को हम इकट्ठा करते हैं। तो गाइस उसके बाद क्या करना है आपको, ये जो डिश का जो 12 नंबर की बोल्ट है ये दोनों को आपको ओपन करना है। तो चलिए पहले इसको ओपन कर लेते हैं हम लोग। और गाइस देखिए हमारा ये दोनों नाट ही ओपन हो रहा है। और गाइस देखिए इसमें एक 8 नंबर की बोल्ट लगा हुआ है, इसको भी हम लोग यहाँ से ओपन कर देंगे। और गाइस देखिए उसके बाद हमको यहाँ शॉकर में स्क्रू लगा हुआ है और ये हमारा एक स्क्रू ओपन हो गया देखिए। और गाइस देखिए ये हमारा दोनों स्क्रू ही ओपन हो चुके हैं। उसके बाद गाइस देखिए यहाँ पे काफी सारे मिट्टी लगा हुआ है इसमें और इसमें देखिए 13 नंबर का 4 बोल्ट लगा हुआ है। चारों बोल्ट को आपको ओपन करना पड़ेगा। ये देखिए चारों बोल्ट को आपको ओपन करना पड़ेगा। तो पहले हम चारों बोल्ट को थोड़ा ढीला कर लेते हैं। और गाइस देखिए ये हमारा चारों बोल्ट ही ओपन हो गया और इस मार्कर को हम अभी निकाल लेंगे देखिए। और ये हमारा मार्केट भी ओपन। और गाइस देखिए यहाँ पे LMK लगा हुआ है, ये LMK को आपको ढीला करना पड़ेगा। तो चलिए पहले हम इस LMK को ढीला कर लेते हैं। और उसके बाद गाइस यहाँ पे 17 नंबर की नट लगा हुआ है, इसको भी हम ढीला कर लेंगे। तो देखिए हमारा ये नट भी ढीला हो गया। तो गाइस देखिए ये LMK भी हमारा ढीला हो चुके हैं। और यहाँ पे देखिए शॉकर की जो 17 नंबर की कैप लगा हुआ है, इस कैप को हम ढीला कर देंगे और ये भी नट हमारा ढीला हो चुके हैं। और गाइस देखिए यहाँ पे 14 नंबर की बोल्ट लगा हुआ है, इसको आपको ढीला करना पड़ेगा। तो गाइस देखिए ये हमारा 14 नंबर भी ढीला हो चुके हैं, हमारा ओपन हो गया, हमारा दोनों शॉकर ही ओपन हो गया देखिए। तो गाइस सबसे पहले हमको 17 नंबर की जो कैप है इसको ओपन करना है, तो चलिए इसको पहले हम ओपन कर लेते हैं। देखिए गाइस हमारा ये 17 नंबर की कैप ओपन हो गया और इसमें देखिए स्प्रिंग लगा हुआ है और स्प्रिंग को हम अभी निकाल लेंगे और नीचे रख देंगे स्प्रिंग को। तो गाइस देखिए इसका ऑयल बहुत गंदा हो चुके हैं और इस ऑयल को भी हम लोग चेंज कर देंगे, साथ साथ इसका लीकेज भी बंद कर देंगे, इसमें ऑयल सील लगा देंगे हम लोग। और गाइस देखिए इसमें देखिए एक LMK बोल्ट लगा हुआ है और इस LMK को ओपन करने के लिए आपको ये शॉकर T की जरूरत पड़ेगा। आपको इस T की मदद से हम लोग इसको ओपन करेंगे, इसको उल्टा करके शॉकर को उल्टा करके इसे घुसा दीजिए। तो गाइस इसमें हम पहले ठोक लेते हैं अच्छी तरह से बैठा। और गाइस देखिए हम लोग हमारा ये LMK जो है ये पूरी तरह से ओपन हो रहा है देखिए। तो गाइस देखिए हमारा ये LMK भी ओपन हो गया देखिए। तो गाइस देखिए इसमें एक स्प्रिंग लगा हुआ। और गाइस पहले हम इस कैप को ओपन कर देते हैं और देखिए हमारा ये कैप ओपन हो गया और इसमें देखिए इसमें लॉक लगा हुआ है, पहले आपको लॉक को ओपन करना पड़ेगा। देखिए गाइस हमारा ये लॉक ओपन हो रहा है देखिए। तो गाइस देखिए हमारा लॉक भी ओपन हो गया देखिए। गाइस यहाँ की लॉक को ओपन करने के बाद आपको क्या करना है, आपको इसे करके थोड़ा थोड़ा पंच करना है। और ये देखिए ये हमारा शॉकर पाइप ओपन हो गया देखिए। और गाइस देखिए ये यहाँ पे देखिए वेलसील लगा हुआ है, उसके बाद में एक वॉशर लगाया है और एक बूस्ट लगाया है। इसी तरीके से हमको ऐसे ही इसको फिट करना है, पहले ये बूस्ट चला जाएगा, उसके बाद हमको वॉशर लगाना है, उसके बाद हमको वेलसील लगाना है और उसको ऊपर में लॉक लगाना है, ऐसे हमको सेटिंग करना है। तो गाइस ये कैप को हम ओपन कर लेंगे। इसको कैप को ओपन करने के लिए क्या करना है आपको, यहाँ पे पंच करना होगा देखिए। और गाइस देखिए ये हमारा कैप भी ओपन हो गया। तो गाइस इस शॉकर पाइप का जो सेटिंग का जो वीडियो है हम सेकंड पार्ट में दे देंगे आपको, नहीं तो वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा। तो गाइस मेरा वीडियो अगर अच्छा लगा तो मेरे चैनल को जरूर लाइक कमेंट सब्सक्राइब कीजिए और भी अच्छे वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद।